हेलो दोस्तों, प्लस वन के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। दोस्तों, आप मुझसे कई सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स के जुड़ सकते हो। साथ ही साथ जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग ने फ्री इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की ट्रेनिंग की शुरुआत की है, जो कि हमारे फेसबुक पेज के ऊपर है। अगर आपने इस पेज को अब तक लाइक नहीं है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। जानकारी के लिए और एक चीज़ बता दो कि हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट किए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कई सारे फील्ड है, इलेक्ट्रिकल में कई सारे ट्रेड्स है, फिर बेसिक सॉफ्टवेयर है, एनिमेशन है, एम्बेडेड सिस्टम्स है, ऑटोकैड है, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, प्रोग्रामिंग, ये सब कोर्सेज हम लोग ने स्टार्ट किए। साथ ही साथ नए नए जैसे कि इंडक्शन चूल्हा, एनिमेशन जैसे कई सारे और भी नए नए कोर्सेज हम लोग शुरू करने वाले हैं। ये सब कोर्सेज करने के लिए आपको खाली प्लस पॉइंट ट्रेनिंग ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर से फ्रीली उपलब्ध है, वो आपको डाउनलोड करके आप कर सकते हो। यदि आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में विजिट करके आप कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए जो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर आप खाली हाई का मैसेज डाल दीजिए तो आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। आज का जो टॉपिक है वो है वैक्यूम क्लीनर के ऊपर है। सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे उसके अलग अलग प्रकार के बारे में, फिर उसके रिपेयरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ है, उसका फंक्शनिंग कैसे होता है, वो सब चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं। अगर मैं उसके प्रकार की बात करूँ सबसे पहले, तो पांच अलग अलग प्रकार रहता है। जैसे कि सबसे पहला है हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर, दूसरा है कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर, फिर आता है अपराइट, उसके बाद में स्टिक, और पांचवा रहता है रोबोट, जिसको हम लोग ऑटोनॉमस बोल सकते हैं। तो ऐसे पांच अलग अलग प्रकार जो है हमारे वैक्यूम क्लीनर के रहते हैं। अगर हैंड हेल्ड की बात करूँ तो ये बेसिकली पोर्टेबल भी आप बोल सकते हैं। पोर्टेबल यानी कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, ईजिली कैरी कर सके, और बहुत ही हल्का रहता है साइज़ में। आपने शायद एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह में देखा रहेगा इस टाइप का। हालांकि इसका जो प्रेशर रहता है, यानी वैक्यूम करने की जो ताकत क्षमता रहती है, वो कम रहती है। लेकिन इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो जैसे कोई ऐसी चीज़ है, एक ऐसी अटपटी जगह है जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुँच सकता है या बड़े बड़े वैक्यूम क्लीनर्स नहीं पहुँच सकते, वहाँ पे इस प्रकार के वैक्यूम क्लीनर बहुत काम में आते हैं। ये पोर्टेबल होने की वजह से बैटरी पे भी ऑपरेट कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारी गाड़ी वगैरह है, गाड़ी की सीट्स कवर है, उसको साफ़ करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो ये टाइप के जो वैक्यूम क्लीनर्स है, बहुत उसकी उम्र भी कम रहती है, हल्का भी आता है और सस्ता भी रहता है, लेकिन इसकी वैक्यूम करने की जो ताकत रहती है, क्षमता रहती है, थोड़ी सी कम रहती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वाले से। इसके लिए इसका इस्तेमाल मतलब फ्लोरिंग साफ़ वगैरह करने के लिए नहीं करते, खाली कार्स है या ऐसी कोई जगह है, मतलब सोफ़ा के सीट्स कवर वगैरह साफ़ करने के लिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। दूसरा जो प्रकार है कैनिस्टर, जो आम तौर पे हमारे इंडिया में चलता है। आपने बहुत सारी जानी मानी कंपनियों के नाम सुने रहेंगे और एडवर्टाइजमेंट भी देखे रहेंगे, तो इसी प्रकार के वैक्यूम क्लीनर आपको नज़र आते हैं, राइट। ये वैक्यूम क्लीनर की खास बात यह है कि उसके अंदर काफ़ी बड़ी क्षमता रहती है कचरा जमा करने की, साथ ही साथ इसका जो प्रेशर रहता है वो भी बहुत बढ़िया रहता है। इसके अंदर स्टिक भी रहता है, स्टिक की वजह से वो जो कोने कपचों की जगह जो रहती है या फ्लोरिंग साफ़ करने के लिए बहुत हमारे काम में आती है। हालांकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर रहता है, लेकिन आजकल तो अभी आप अमेज़ॉन वगैरह पे ट्राई करेंगे तो सस्ता भी मिल जाएगा। अगर उस टाइप के चाहिए तो नीचे मैं लिंक भी दे देता हूँ, आप वहाँ से मंगा भी सकते हो, ठीक है। तो ये कैनिस्टर वगैरह जो रहता है आप यहाँ से आप मंगा सकते हो। इसके बाद जो है अपराइट जो है, हालांकि इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादातर जो इस टाइप के जो अपराइट नाम के जो वैक्यूम क्लीनर्स है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। हालांकि ये वैक्यूम क्लीनर की खासियत मैं बता दूँ, एक तो ईजी टू हैंडल है, कम जगह में रह जाता है, दूसरी बात ये आसानी से, इसमें हालांकि स्टोरेज करने की जो क्षमता रहती है कचरे को वो थोड़ी सी कम ज़रूर रहती है, लेकिन इसका वैक्यूम का जो कैपेसिटी बहुत अच्छा है। साथ ही साथ ये स्टिक की मदद से और आसानी से उसको ऑपरेट किया जा सकता है हाथों से, इस वजह से ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। और अगर आपके घर पे जो सरफेस है, मतलब नीचे ज़मीन जो है, उसके अंदर साफ़ करने के लिए काफ़ी हद तक बढ़िया तरीके से काम करता है अपराइट। इसके बाद में स्टिक है, ये स्टिक जो रहता है वो अपराइट, ये जो अपराइट मैंने बताया, और हमारा जो कैनिस्टर रहता है इसका जो स्टिक रहता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके इसको बनाया गया है। हालांकि ये भी बहुत बढ़िया है। इसके अंदर खासियत ऐसी है कि ये छोटी सी छोटी जगह या जैसे कि हमारा सोफ़ा है उसके नीचे की जो जगह है उसमें भी आसानी से घुस के आसानी से साफ़ कर सकता है। साथ ही साथ पोर्टेबल होने की वजह से किधर भी आसानी से लेकर इसको घूम सकते हैं, बैटरी से भी ऑपरेट कर सकते हैं, साथ ही साथ इसको वायर के ज़रिए भी ऑपरेट करवा सकते हैं। तो ये उसकी खासियत है और काफ़ी हल्का होने की वजह से हम लोग आसानी से उसको कैरी कर सकते हैं। ये दोनों की जो चीज़ है मेन, दोनों में कॉमन है काफ़ी हल्का, ओके। हालांकि ये दोनों का जो प्रेशर है यानी वैक्यूम करने की जो ताकत है, इससे कम ही है, इसकी सबसे ज़्यादा रहती है, ओके, इसलिए वो सबसे महंगा रहता है ये। हालांकि ये दोनों जो है रहता है थोड़े से सस्ते रहता है।
इसके बाद जो लेटेस्ट यानी फ्यूचर में आने वाले जो रोबोटिक्स जो रहता है, या अभी तो आ चुके हैं मार्केट्स में कई सारी जगह पे, जल्द से जल्द मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये जो वैक्यूम क्लीनर है वो स्वच्छ हम लोग हिंदी में बोलते हैं उसको, स्वचालित रोबोट के ऊपर काम करता है। बेसिकली हमारे घर पे अगर कुछ भी कचरा गिरे तो वो अपने आप साफ करने की क्षमता रख सकता है। साथ ही साथ अगर मैं टाइमिंग सेट कर दूँ तो उतने बजे ऑटोमेटिक मेरा पूरा घर साफ करेगा। साथ में साथ स्टेप्स है या दीवार है तो वो खुद टकराए बिना उसको प्रॉपरली साफ करते हैं। ये उसकी जो बेसिक बहुत ही अच्छी एडवांटेज, मतलब इंटेलिजेंट बोल सकते हैं, हमें हाथों से कुछ साफ करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप पूरा साफ सफाई करता रहेगा पूरा दिन भर, अपने आप चार्जिंग भी होगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है, जितना तुम महंगा लोगे उतनी तुमको फीचर्स इसमें ज़्यादा मिलेंगे। तो ये है ऑटोनोमस यानी कि ऑटोमेटिक चलने वाला वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, अभी हम लोग रिपेयरिंग के लिए जो खास बात करने वाले हैं वो इस प्रकार के, यानी कि जो हमारे जो वैक्यूम क्लीनर्स जो इंडिया में आमतौर पे अवेलेबल है जिसको हम लोग कैनिस्टर बोल सकते हैं, इस टाइप के देखिए। ओके, तो कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर्स के ऊपर ही आज हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर अगर आप खोल के देखोगे तो उसके अंदर ये सब चीज़ें अवेलेबल रहती है। इसमें सबसे पहला जो आपका जो पाइप रहता है जिसमें विंड का एडजस्टमेंट करने के लिए नॉब रहता है, साथ ही साथ उसके अंदर डस्टबिन रहता है जहाँ पे आपका डस्ट जमा होता है, यानी कि ये जो भी हवा खींचता है यानी कि वैक्यूम के ज़रिए जो भी डस्ट वगैरह पार्टिकल्स वगैरह खींचता है ये पाइप के ज़रिए इस डस्टबिन में जमा हो जाता है, और डस्टबिन से ये सब चलाने के लिए अंदर एक मोटर का प्रयोग होता है। तो ये अंदर की ये बातें हैं, देखो इस तरीके से काम करता है यहाँ पर। हालांकि इसमें दो अलग अलग प्रकार रहते हैं, पहले वेट वाले भी चलते थे, वेट यानी जिसमें पानी रहता था पहले से भरा हुआ, और वहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे ना तो क्या होता है कि जो डस्ट वगैरह धूल मिट्टी वगैरह जो रहता है वो पानी में मिक्स हो जाती है और जो हमारी हवा जो है साफ हवा बाहर निकलती है। लेकिन ज़्यादातर अभी इंडिया में ये टाइप के नहीं चलते, हम लोग ड्राई वाले वैक्यूम क्लीनर्स ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। पानी की जगह पे यहाँ पे थैली रहती है जिसमें होता यूँ है कि जब भी हम लोग नीचे का फ्लोरिंग का साफ सफाई करते हैं तो वैक्यूम के ज़रिए जो डस्ट पार्टिकल्स अंदर आते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पे इस थैली के अंदर जमा हो जाते हैं और उसमें से जो साफ सुथरी हवा जो है वो इस मोटर के ज़रिए वैक्यूम होके बाहर निकल जाती है। तो ये उसका बेसिक फंडा है। इसके अंदर बात करें तो ये सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा जो है ड्राई बेल्ट है, साथ ही साथ यहाँ से हमारा जो फ्लोरिंग वगैरह साफ कर सकते हैं। इसके अंदर भी कभी कभी मोटर लगी हुई रहती है जो कि स्वचालित हो सकती है। पावर हैंडल स्विच है यानी कि पावर को ऑन ऑफ करने का भी यहाँ से भी आप कर सकते हैं, साथ ही साथ विंड को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। हॉर्न्स है यानी कि वायर है, ये जो पाइप बोल सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, इसके अंदर फिर आप देखोगे तो आपका प्लग है, बेसिकली 230 वोल्ट का प्लग रहता है यहाँ पे। फिर बैग रहता है जहाँ पे ये जो कचरा जमा कर रहा है वो बैग के अंदर जमा होगा। लेकिन ये सब जो काम करने का काम कौन करता है, तो मेन इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है मोटर। हालांकि इसके ऑन ऑफ स्विच, इसका कवर, इसका बैक कवर, इसका सब यहाँ पे लगा हुआ है। ये सब चीज़ों को असेंबल करके बेसिकली ये जो है हमारा वैक्यूम क्लीनर बनता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया इसमें जो मेन रोल प्ले करता है वो उसकी मोटर है। एक बार पूरा ब्लॉक डायग्राम दोबारा देख लेते कि जब भी हम लोग साफ सफाई करते हैं तो हवा के साथ में डस्ट पार्टिकल्स को एक खींचेगा, अंदर एक थैली रहती जहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स और जो हवा जो है वो साफ करके फिल्टर करने का काम होता है। इसके बाद में वैक्यूम के जरिए ही हवा को बाहर निकाल देने का काम करता है। तो इस तरह से हवा का जो रोटेशन रहता है वो कंटिन्यूस चालू रहता है। लेकिन इसमें जो मेन रोल प्ले करता है वो है मोटर। ओके, तो ये मोटर जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो कुछ इस प्रकार से नज़र आती है। ये मोटर है उसके अंदर की। ठीक है, ये मोटर के अंदर आप देखोगे तो ये ब्लू कलर का कुछ पार्ट दिख रहा है जिसको हम लोग ब्रश बोलते हैं। यहाँ से हवा का वैक्यूम पैदा किया जाता है। तो उसका कट मॉडल हम लोग पहले देख लेते हैं। ये कुछ उसका कट मॉडल है जिसमें ये दोनों ब्रश यहाँ पे लगे हुए रहते हैं। ये कम्यूटेटर है, ये आर्मेचर है, उसका फील्ड वाइंडिंग है और नीचे कुछ ब्लेड्स हैं। ब्लेड्स यानी कि जो हवा फैन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जो हवा को प्रेशर करने का काम करता है वो ब्लेड रहता है। तो ये उसके सब पार्ट्स के नाम हो गए। इसमें मेजर रोल जो प्ले करता है, मतलब जो ब्लेड्स की वजह से हवा का जो प्रेशर बनता है उसका ब्लेड बनाने का काम करता है इस प्रकार से। ओके, ये देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे से हवा को प्रेशर जनरेट करने का काम ये ब्लेड करता है और साथ ही साथ हवा को फिल्टर करके बाहर भेजने का काम भी ब्लेड ही करता है। ओके, ये उसका बेसिकली वैक्यूम जनरेट करता है मोटर। और इसके लिए मोटर के जो मेन जो पार्ट्स है जिसमें प्रॉब्लम आती है वो इतने पार्ट्स है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी सी और एफ का जो हिस्सा दिखाया गया ये सब वाइंडिंग्स के पार्ट है। ये वाइंडिंग क्या रहती है, तो मोटर रिवाइंडिंग के ऑनलाइन कोर्सेज पे हम लोग ने डिटेल में बता दिया कि वाइंडिंग कैसे की जाती है आर्मेचर और फील्ड की। तो बेसिकली वाइंडिंग में अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो रिवाइंडिंग ही करना पड़ता है। लेकिन बेसिक प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ ब्रशेस रहते हैं। मैंने आपको बताया था ये जो ई जो है ना वो ब्रशेस है,
आमतौर पे होता यू है कि अभी रोटर जो है गोल 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 घूमता है, तो ये कम्यूटेटर जो उसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको कनेक्ट करने के लिए इसमें जो सप्लाई जाता है वो कार्बन ब्रशेस के जरिए जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा घूमने पर क्या होता है कि उसके जो कार्बन ब्रश रहता है वो घिस जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ओल्ड वाला दिखाई दे रहा है और नया वाला दिखाई दे रहा है, तो उसकी वजह से लूज कॉन्टैक्ट जनरेट होता है दोनों के बीच में, तो हमारा जो मोटर है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता। तो जनरली जनरल केस में रिपेयरिंग में ज़्यादातर हिस्सों में हमको नया ब्रश ही डालना पड़ता है। दूसरा जो रहता है एक कम्यूटेटर जो रहता है हमारा, वो उस पर कार्बन जमा हो गया या प्रॉपरली कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से भी दिक्कत आती है। तो उसको सैंड पेपर के जरिए, कांच कागज़ जिसको हम लोग बोलते हैं गुजराती में, उससे पूरा साफ़ कर लीजिए। ये कम्यूटेटर को साफ करने पर आपको पूरा कॉपर जैसा पदार्थ दिखाई देगा, यानी एकदम साफ़ हो जाएगा। और बाद में आप ऑपरेट करके देखोगे उसको, नॉर्मल सर्विसिंग करके ऑपरेट करके देखो, तो ज़्यादातर केसेस में आपके मोटर रिपेयर हो जाती है, आपको दूसरा कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं आता वैक्यूम क्लीनर के अंदर। हाँ, अगर उसके सर्किट वगैरह में कुछ दिक्कत हुई तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सर्किट रिपेयरिंग भी सीखा है कि किस प्रकार से आपको रिपेयर करना है, तो बेसिक उसको, लेकिन ज़्यादातर केसेस में इसकी मोटर के अंदर ये चीज़ चेंज करने पर आपका जो दिक्कत है वो सॉल्व हो जाता है। ओके, अभी रोबोटिक्स वाले जो हमारे वैक्यूम क्लीनर रहते हैं उसकी बात करते हैं, तो उसमें आगे की तरफ तीन ब्रशेस रहते हैं। ये जो ब्रशेस की बात करें तो दो आगे के जो मेन ब्रशेस रहते हैं वो कचरे को अंदर की तरफ लेने का काम करते हैं, और जो मिडल वाला ब्रश है वो वैक्यूम के पास कचरे को फेंकने का काम करती है। यहाँ पे अंदर एक मोटर रहता है जो कि वैक्यूम जनरेट करता है और हवा के सोखने का काम करता है, ये जो कचरा रहता है उसको सोखने का काम करता है, और ये सोख के खुद अंदर एक थैली रहता है जहाँ पे जमा होता है, और ये पूरा स्वच्छ मतलब ऑटोमेटिक चलने वाला सिस्टम रहता है। और ये पूरा जो ऑटोमेटिक वाला जो सिस्टम है वो किससे नियंत्रित होता, तो एक माइक्रो कंट्रोलर, यानी कि आजकल जो आर्डिनो है या 8051 जो माइक्रो कंट्रोलर्स है उससे पूरा ये स्वसंचालित होता है। ओके, उसके इवन उसके जो पहिए है वो ऑटोमेटिक अपनी दिशा जो है उसके हिसाब से टर्निंग वगैरह लेना, वो सब जो पूरा सेटिंग है वो पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है, हमें खाली टाइम और समय वगैरह सेट कर देना, अपने आप वो काम करता रहेगा। तो ये है हमारे आगे चल के आने वाले वैक्यूम क्लीनर्स, हालांकि अभी तो आ चुके हैं, मैं एक वीडियो इस पर बनाऊंगा लाइव, मैं बताऊंगा आपको कैसे से काम करता है, और हो सके तो मैं एक आर्डिनो पे बनाने की भी कोशिश करूंगा। ओके, तो अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए ऑनलाइन कोर्सेज के रिलेटेड तो इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग। अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दबा दीजिए, और बेल का आइकॉन नहीं दबाया तो बेल का आइकॉन दबा दीजिए। कमेंट करिए, कमेंट में लिखिए वीडियो कैसा लगा, आगे कौन सा वीडियो चाहिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग।